हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है ओएनजीसी की सब्सिडरी ओएमपीएल की तरफ से, मैंगलोर पेट्रोकेमिकल की तरफ से। यहाँ पर एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक चीज, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। आप बस आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, इस वीडियो को दिल से एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी भी हेल्प होगी, फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, ओएनजीसी की सब्सिडरी ओएमपीएल की तरफ से, मैंगलोर पेट्रोकेमिकल की तरफ से एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है बीई बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर होने वाला है 09/2020। यह फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, यह फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 12/12/2020 से। 12 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की आखिरी डेट होने वाली है 1/1/2021, 1 जनवरी 2021 तक आपको अप्लाई कर देना है। हालांकि अप्लाई करने के लिंक अभी खुल चुके हैं, लेकिन अभी आपको अप्लाई नहीं करना है, अभी आपको अप्लाई नहीं करना है। 12 तारीख के बाद से ही आपको अप्लाई करना है, नहीं तो भैया फिर जो भी होगा वो आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो लिंक खुल चुकी है, लेकिन अभी अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले, सबसे जरूरी बात, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाले हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप कहीं से अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर चुके हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आगे की पढ़ाई अगर आप चालू कर दिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें तो टेबल अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर केमिकल में 8 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 4 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 17 पोस्ट है बीई बीटेक वालों के लिए। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो 10,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 55% के साथ आप बीई बीटेक पास आउट हो चुके हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर केमिकल की सिंगल वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 4 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 8 पोस्ट है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 8,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। 55% के साथ अगर आप डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन का टेबल भी हमें दे दिया गया है, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां पर बीई बीटेक केमिकल में टोटल 8 वैकेंसी है, उसमें से अनरिजर्व 4 है, जबकि बीई बीटेक मैकेनिकल में 4 वैकेंसी, अनरिजर्व 2 है। बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अनरिजर्व में सिंगल वैकेंसी है। बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनरिजर्व में 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा केमिकल में अनरिजर्व में सिंगल वैकेंसी है, सिंगल ही वैकेंसी है, वो अनरिजर्व में है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 3 वैकेंसी, अनरिजर्व में सिंगल है। डिप्लोमा मैकेनिकल में 4 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से अनरिजर्व है 2। आप 55% के साथ बीई बीटेक डिप्लोमा पास आउट हो चुका है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, 2018, 2019, 2020 पास आउट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 2018, 2019, 2020 अगर आप पास आउट हैं, इन तीनों सालों में से अगर आप बीई बीटेक डिप्लोमा पास आउट हुए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2018 के पहले अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल ईयर में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो भैया यहाँ पर मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होने का, एग्रीगेट परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन होने का है। आपके बीई बीटेक में कितने परसेंट मार्क्स आए, डिप्लोमा में कितने परसेंट मार्क्स आए, 90%, 95%, 80%, 70%, जितने ज्यादा बढ़िया आपके मार्क्स आए होंगे बीई बीटेक डिप्लोमा में, उतनी ही ज्यादा चांसेस यहाँ पर आपके सिलेक्शन की होगी। यानी कि यहाँ पर पूरा सिलेक्शन जो है वह परसेंटेज के बेसिस पर होने का है। कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर नहीं होने का है, डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर होने का है परसेंटेज बेसिस पर। और जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी कोई भी फीस नहीं है, फ्री है। तो अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है, लेकिन भैया फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हुई, जैसे मैंने बताया 12/12 से, और आखिरी डेट यहाँ पर रखी गई है 1/1/2021। तो 12 दिसंबर से ही आप अप्लाई करना शुरू कीजिएगा, अभी मत अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।